आशा दिन देता है, पॉसिबल ही नहीं। परमेश्वर नया दिन हमको देता है, हर दिन एक नया दिन प्रभु हमें देता है। लेकिन आज के दिन जो मैं आज वचन आपसे अब तक बात में जा रहा हूँ, पढ़ेंगे हमें बहुत आशीष मिलेगी। आइए पढ़ते हैं यशाया उसका 43 और उसकी 19 आयत। देखो देखो मैं एक नई बात करता हूँ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, नई बात करता हूँ। थैंक यू। आज मैं चाहता हूँ हम लोग थोड़ी देर इस वचन के ऊपर गौर करें। परमेश्वर कह रहा है बिहोल्ड आई विल डू अ न्यू थिंग, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, एक नई चीज कर रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है देखो मैं एक नया काम कर रहा हूँ, नई बात कर रहा हूँ। आई विल डू अ न्यू थिंग। आपको मालूम हमारे जीवन में हमारे जीवन में बहुत बार हमारे जीवन का जो स्टीयरिंग होता है, हमारे जीवन की जो कंट्रोल होता है, जो नियंत्रण होता है, वो हमारे बीते हुए दिनों में अपने हाथों में पकड़ा हुआ होता है। हमारी जिंदगी की जो दिशा है वो हमारे बीते हुए दिन तय कर रहे होते हैं। हमारा पुराना समय, हमारा पास्ट जो बीत गया है, वो वाला समय हमारी जिंदगी को चला रहा होता है। और परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है कि मैं एक नया काम, एक नई बात करूंगा आपके जीवन में, एक नई बात करने जा रहा हूं। अगर हम पुरानी चीजें हमारे जिंदगी का नियंत्रण लिए रहेंगी तो जो हमारा दर्शन है वो धुंधला रहेगा। हमारा दर्शन, हमारा जो हमारा विजन है वो क्लियर नहीं होगा, सब ब्लर दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। और परमेश्वर के पास जो बरकतें हैं हमारे लिए या आने वाले दिन में जो आशीष हैं, वो उन सारी बरकतों को चुरा लेगा, वो आशीष हमें नहीं मिल पाएगी। जो बरकतें परमेश्वर ने हमारे रखी है वो बरकतें हमें नहीं मिल पाएगी जब तक हम अपने अपने बीते हुए समय को, अपने भविष्य को प्रभावित होने करने देंगे। जब तक हम स्टीयरिंग अपने पास के हाथ में दिए रहेंगे, वो हमारी जिंदगी की गाड़ी को गोल 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 घुमाता रहेगा। और जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है या जो बरकतें परमेश्वर आपको देना चाहता है, आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे, वो बरकतें आपको नहीं मिल पाएंगी, आप चूक जाएंगे। हालेलुया। आइए उसके 18वीं आयत पढ़ें। बीती हुई घटनाओं का स्मरण और हम तो भाई वहां से भाग ही नहीं निकल पाते। अरे पुराना साल वाली आंटी ने हमें यहां से बोला था, अरे मास्टर जी आपको नहीं पता, इन्होंने ना जब अपनी बेटी की शादी की थी हमको इनविटेशन नहीं भेजा था और हम वहीं पे अटके हुए हैं। 10 साल हो गए उस शादी को, 10 साल पहले वो बात हुई थी और हमने उन्हीं को पकड़ लगा, वहीं पर अपने 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 लंगर को वहीं फंसाया हुआ है हमने। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पुरानी बातों को स्मरण मत करो, पुरानी बातों को स्मरण मत करो। पुरानी बातों को स्मरण कौन करता है मालूम है? और ये भी कौन करवाता है? सिर्फ एक ही है जो आपका विरोधी है, जो आपका विरोधी है, जो शत्रु है। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। और फिर इसके बाद प्रभु इस बात को बता रहा है कि देखो मैं एक नई बात करता हूं। परमेश्वर एक नई बात, एक नई चीज, एक नया दिन आपको देना चाहता है। लेकिन उस नए दिन में प्रवेश करने के लिए, उस नए दिन को वाकई में यदि आप चाहते हो कि वो नया हो, आपको कल को अपने दिमाग से निकालना होगा, यानी कि बीते हुए कल को आपको दिमाग से निकालना होगा, तभी वो आज का दिन आपको नया हो पाएगा। यदि आप वाकई में चाहते हो कि आपको नया दिन मिले, इफ यू रियली वॉन्ट कि आज का दिन आपको नया हो, तो जो आप कल कर रहे थे आपको उन्हें स्मरण नहीं रखना है, आपको वहां अपने मन को नहीं रखना है, तभी तो आज का दिन नया हो पाएगा। यदि कल मान लीजिए कल आपने पूरा दिन आपने
अरे उसको उसको अब इतने पैसे देने हैं, मुझे इतने पैसे देने हैं, आपने पूरा दिन उसी में निकाल दिया, आज नया दिन आया है, आज सुबह उठते साथ अगर आप उसी वहीं पर आप उसी विचार के साथ दिन को शुरू करोगे, वही विचार आपका बना रहेगा, तो ये आज का दिन नया नहीं होने पाएगा। या फिर कल आपके साथ क्या हुआ है, कल आपके साथ क्या हुआ है। बहुत से जवान, बहुत से लोग अपनी लाइफ में ठोकर खाते हैं और वो वहीं बैठ के रहते हैं। कई लोग के कई लोग कम उम्र में रिलेशनशिप में आ जाते हैं और जब उन्हें ठोकर मिलता है, धोखा मिलता है, वो वहीं बैठ के रहते हैं। और जो परमेश्वर ने वाकई में उनके रखा होता है वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। अगर आप पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसकी पहली आयत निकालेंगे तो वहां पे परमेश्वर का एक शब्द, परमेश्वर का वचन शमूएल के पास पहुंचा और प्रभु इस प्रकार से कह रहे हैं, जी 16 और पहली आयत, यहोवा ने शमूएल से कहा, यहोवा ने शमूएल से कहा, ध्यान से सुने हरिचंद जी, मैंने शाऊल को इजराइल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज करने के लिए तुझ जाना है। आपको मालूम है ना कि परमेश्वर ने शाऊल को रिजेक्ट कर दिया था, और यहाँ पर जब शाऊल को रिजेक्ट कर दिया, शमूएल क्या कर रहा है इस समय, मतलब शमूएल रो रहा है, विलाप कर रहा है, शमूएल यहाँ पर विलाप कर रहा है, इस मॉर्निंग, और जब वो विलाप कर रहा है, रो रहा है, ऐसे में परमेश्वर शमूएल से बात करता है, परमेश्वर का वचन शमूएल के पास पहुंचता है और परमेश्वर क्या कह रहा है, जी आगे बढ़े, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा। बहुत सी चीजें हैं ना जिसके जिसको हम पकड़ के रखते हैं, उनके विषय में विलाप करते रहते हैं, अरे वो वाला घर बहुत अच्छा था, अरे वो सेक्टर 15 वाला घर बहुत अच्छा था, अरे वो वाला जॉब बहुत अच्छा था, अरे वो वाला रिश्ता बहुत अच्छा था, और हम उनके विषय में विलाप करते हैं, विलाप करते रहते हैं। इजरायली लोग भी विलाप कर रहे थे कि इससे बढ़िया तो हम गुलामी में थे, नहीं थी, वो लोग गुड़गुड़ा रहे थे, और ऐसे ही हम लोग भी गुड़गुड़ाते रहते हैं कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और यहाँ पे शमूएल भी विलाप कर रहा है, जी आगे पढ़े, अपने सींग में तेज बरकर चल, और परमेश्वर ने कहा शमूएल को, तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा, टिल फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कीप मॉर्निंग फॉर द थिंग्स दैट आर पास्ट, जो बीत चुकी है, कब तक उसके विषय में गुड़गुड़ाते रहोगे, कब तक रोते रहोगे, कब तक विलाप करते रहोगे। परमेश्वर कह रहा है उठ और अपने सींग में तेल भर, हालेलुया। सींग में तेल भरने का मतलब क्या है मालूम, मालूम सींग में तेल भरने का मतलब क्या है, तेल क्या दर्शाता है, तेल अभिषेक के तेल को दर्शाता है, पवित्र आत्मा का मसा, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है तुम कब तक उन पुरानी बातों को पकड़ के बैठे रहोगे, कब तक उन पुरानी बातों के विषय में विलाप करते रहोगे, जिन्हें परमेश्वर ने परमेश्वर को ज्यादा किया भूल जाए, जिनके ऊपर मन ना लगाओ, उन बातों
करना चाहता है। हालेलुया, बहुत बार हम अपने नुकसान के ऊपर बलाल करते रहते हैं। किस किसने अपनी जिंदगी में नुकसान को देखा है? नुकसान नुकसान, अभी आपको रिसेंटली बताऊं मेरा नुकसान। हमारे घर में गमला था, उस गमले में मैंने कुछ सीड्स डाले, टमाटर के और हरी मिर्च के बीज डाले, और उन बीजों में से एक भी बीज फलवत नहीं हुआ। लॉस। कई बार हमारे जीवनों में भी लॉस होता है, और जब वो लॉस होता है तो हमें उसका थोड़ा सा दुख होता है, और जो कि हेल्दी है, स्वाभाविक है, और वो ठीक है। मलाल होना, आपको आपको दुख का एहसास हुआ, ठीक है। लेकिन हम अगर उसी दुख पे अटक जाएं, अगर वहीं पे अटके रहें, तो वो हेल्दी नहीं है। मैंने गमले में बीज बोए, बीज में एक भी बीज फलवत नहीं हुआ, मुझे दुख हुआ। अब अगर मैं उस दुख को पकड़े रहूं, मैं आऊं कि शायद मेरे कॉफी लेके आए और मैं बोल यार सारे बीज खराब हो गए, चलो थोड़ी देर के लिए चलो ठीक है, उसके बाद खाना बना दिया, लंच बना दिया, फिर मुझे बोला आ जाओ लंच, घर पे बोल रहे आया यार मेरा मन नहीं है, सारे बीज खराब हो गए, फिर भी चल जाएगा। अब शाम को चाय बना दी, फिर भी मैं रात का खाना हो गया, फिर भी वही कर रहा हूँ। अब संडे आ जाए और संडे को अरे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं आराधना नहीं करूंगा, मैं चर्च नहीं, सारे बीज खराब हो गए। ये अब थोड़ा ज्यादा हो जाए, नुकसान से क्या दुख हो रहा है, ठीक है, लेकिन यदि हम उसी उसमें अटक जा रहे हैं, then it's not healthy, वो अब सही नहीं है। जब हम लोग अटक जाते हैं तो वो हेल्दी नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है। शाऊल को अभिषेक किसने किया था, किसी को मालूम है? टू बी द फर्स्ट किंग ऑफ इज़राइल, शमूएल ने किया था, और वो इज़राइल का पहला राजा था। जब उसको परमेश्वर ने रिजेक्ट किया तो दुख होना इज ओके, हेल्दी है आपको दुख, लेकिन आप उस दुख में अटक जाओगे, यदि आप उस दुख में फंस जाओ और आप विलाप करने में लगे रहो, तो वो चीज सही नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है तो कब तक इसके विषय में विलाप करता रहेगा, कब तक? उठ और अपने सिंह में धीर ले। यदि आप भी पुरानी बातों में अटके गए हो, यदि आप पुरानी बातों में फंस गए हो, आपको वो आपको उन दुखों ने चकड़ लिया है, आपको परमेश्वर से उस तेल को मांगने की आवश्यकता है, परमेश्वर से उस अभिषेक को मांगिए। और बाइबल बताता है कि अभिषेक के द्वारा जुआ टूट जाएगा। हालेलुया, आपको आप अपने सींग में तेल भरने की आवश्यकता है, अपने अपने सींग में तेल खींच भरिए। बहुत से लोग इस समय जो ऐसी परिस्थिति आती है वो सींग में तेल नहीं भरते, लेकिन बोतलों में कुछ और चीजें भरना शुरू कर देते हैं, बोतलों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं और चीजें पद से बदतर हो जाती है। प्रभु चाहता है कि जब ऐसी परिस्थिति आ रही है, जब आपको कोई दुख सता रहा है, जब आप लोग पुरानी बातें सता रही है और आप उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, आपको अपना सींग उठाने की जरूरत है। हालेलुया, आपको अपना सींग उठाना है। सींग क्या दर्शाता है पता है आपको? सींग क्या दर्शाता है मालूम है आपको? अभी कुछ दिनों पहले हमारे अपने पासवान आए, उन्होंने केलब के ऊपर कुछ बोला था, केलब को क्या बोला था? ईशा हंस रही है, मुझे बता क्यों हंस रही है, क्या प्रॉफेसी की थी? जैसे राइनोसरस होता है, जैसे गैंडा होता है, जो तो आप मालूम है गैंडे की स्किन बहुत मजबूत होती है और उसका एक सींग होता है और वो सींग बहुत महंगा होता है। वो सींग उसकी सामर्थ्य को दर्शाता है, वो सींग उसकी महिमा को दर्शाता है। हालेलुया, महिमा को दर्शाता है। किसको? सींग महिमा को दर्शाता है। महिमा क्या है? ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब मालूम है क्या है? ग्लोरी का मतलब होता है
प्रेजेंस। हालेलुया। जब सुलेमान ने या दाऊद ने जो परमेश्वर के घर सब सुलेमान ने टेंपल बनाया था वहां पे जब प्रार्थना आराधना में सब याजक लोग थे वहां पे लिखा हुआ है और परमेश्वर की महिमा से वो भर गया। कहीं पे लिखा हुआ है महिमा और कहीं पे लिखा हुआ है परमेश्वर प्रेजेंस से वो भर गया। It was filled by the presence of God. Was filled by the glory of God. महिमा यानी कि परमेश्वर की प्रेजेंस। सीन को उठाना, अपने सीन को उठाना है आप परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति। यानी कितने दिनों में प्रचार हुआ है प्रभु अपनी उपस्थिति को मुझसे दूर ना करना। दाऊद की प्रार्थना थी मेरे मन को नया कर दे परमेश्वर की उपस्थिति। सो जब ऐसा लगे कि आपको पुराना पीता और पीती भी बातें आपको झुकड़ रही है आप आजाद नहीं हो पा रहे हैं यू हैव टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की आवश्यकता है और परमेश्वर से पवित्र आत्मा का मसा मांगने की आवश्यकता है। हर प्रकार का जुआ, हर प्रकार का बंधन टूट जाएगा अभिषेक के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। So, जब हम उनसे अटके रहते हैं तो एक बार नुकसान का दुख होना इज ओके, लेकिन जब हम उस दुख में हम लोग फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, तो आपको मालूम है वो दुख आपके भविष्य को प्रभावित करना शुरू कर देता है। ध्यान से सुनिए मैं इस बात को। मैंने आपको उदाहरण दिया गव में बीज बोए, वो बीज सारे बीज खराब हो गए, उसका दुख होना जायज है, लेकिन मैं अगर उस दुख में फंस जाऊंगा तो वो दुख मेरे भविष्य को प्रभावित करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं मैं। चंडीगढ़ शहर में हमें 14 साल हो गए हैं, चर्च को 14 साल हो गए हैं, मैं 2008 में आया था 16 साल हो गए हैं, और इन सालों में बहुत से अगुए यहाँ पे तैयार हुए, बहुत से लीडर्स को हमने तैयार किया और जो प्रभु ने मेरे हृदय में जो मुझे दर्शन दिया है और हमने वही किया, हमने लीडर्स को तैयार किया। अब एक बार गलत अनुभव मिला, एक बार गलत एक्सपीरियंस मिला, दो बार गलत एक्सपीरियंस मिला, तीन बार गलत एक्सपीरियंस मिला। अब क्या करें भाई, जब पहली बार गलत एक्सपीरियंस मिला तो दुख हुआ, जब पहली बार किसी ने धोखा दिया तो हमें दुख हुआ। अब लेकिन मैं उसी दुख में रख लो, नहीं भाई कोई भरोसे के लायक नहीं, सब ऐसे है, सब चलाकी करते हैं, सब ये करते हैं वो करते हैं, और हम अगर उसी के हाथों में नियंत्रण दे दूं तो वो मेरे भविष्य को यानी कि आने वाले जो परमेश्वर का जो दर्शन है, जो परमेश्वर की मिनिस्ट्री है, वो उसको प्रभावित करना शुरू कर देगा। और मैंने ऐसा नहीं होने दिया प्रभु की दया से, मैं कौन बताऊं, लेकिन प्रभु ने दिया सर मैं उससे प्रभावित नहीं हुआ, हम फिर करते गए, फिर दूसरी बार वही चीज हुई, फिर अगर मैं उसी दुख में अटक जाऊं तो फिर वो भविष्य को प्रभावित करेगा, आने वाली सीड्स को प्रभावित होगा। एक बार गमले में बीज बोए वो फलत नहीं हुए तो क्या मैं वहीं पर फंसे रहना है, नया मैं कभी गार्डन नहीं करूंगा, कभी गमले नहीं लगाऊंगा, कभी पौधे कभी बीज नहीं बोऊंगा, तो कभी भी वो बीज वो ही नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे उससे बाहर निकलना है। कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुए मैं दोबारा सीड्स बोऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम पास्ट को अपने फ्यूचर को इंपैक्ट ना करने दे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो अगर हम पुरानी बातों में अटके रहेंगे वो आपके भविष्य को प्रभावित करेगा। और देयर कम्स अ टाइम वेन यू मस्ट स्टॉप टॉकिंग अबाउट what cannot be changed. जो चीजें नहीं बदल सकती हमें उनके बारे में बोलना भी बंद करना आवश्यक है। जब शाऊल को परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया, God was not interested to talk about Saul. परमेश्वर Saul के बारे में शाऊल से बात ही नहीं करना चाहता था। Hallelujah. और परमेश्वर यही चाहता है कि हमें
दुख हुआ, ठीक है, हमने हमारे पास वो वाला घर था, वो घर नहीं है, बड़ा दुख हुआ उस समय जब वो घर हमारे हाथ से गया, ठीक है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बारे में बातें करना भी बंद कर दें। We should not talk about that. हमें उसके बारे में बात भी नहीं करनी है। अगर आप अपने मित्रों से ऐतिहासिक रूप से ही बर्ताव करते रहोगे, है ना, जैसा आपके संग हुआ, पुराना अनुभव रहा, या आप उस अनुभव से प्रभावित होकर अब जो आपकी जिंदगी में आपके मित्र हैं, आपके साथ जो हैं, उनके साथ वैसे बिहेव करोगे तो क्या होगा, आप उन्हें खो दोगे। यू विल लूज देम। मालूम क्यों? सोचिए क्यों। मान लीजिए आपका कोई दोस्त था, ठीक है, और उससे आपको बहुत गलत अनुभव मिला। वो आपके घर में आया और आपके घर से उसने कोई कीमती चीज आपकी चुरा ली, ठीक है, उसने आपकी कीमती चीज चुरा ली। आपको बहुत दुख हुआ जब आपको मालूम चला, आपको मालूम चल गया कि वो वाला दोस्त था जिसने आपके घर में आके चोरी करी। आपको मालूम चल गया, बहुत बुरा कड़वा अनुभव आपको मिला। अब काफी समय हो गया, एक साल हो गया, अब आपके जीवन में नए दोस्त हैं और आपके नए मित्र तो आपके घर में आए हैं, और आपको लेकिन मालूम है कि यार मेरा एक दोस्त घर में आया था और उसने यहाँ पे मेरा कीमती चीज रखी थी, वो चुरा के ले गया था। अब आपके जो नया दोस्त आया है इसको आप देखने लग गए हो, हाँ ठीक है यार, ठीक है, ओके, अच्छा मैं चाय लेके आता हूँ, तो यहीं पे बैठे रहना, ठीक है। अब चाय बना रहे हो और बार बार क्या होगा, यू विल लूज योर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि आपका व्यवहार एक ऐसे वातावरण को पैदा करेगा जो कि वातावरण पहले, जो क्लाइमेट पहले था वैसा क्लाइमेट आप खुद बना रहे हो, और दोबारा से बीच बलवंत नहीं होंगे और आप अपने मित्रों को खो दोगे। आप एक ऐसा क्लाइमेट, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना रहे हो जो कंफर्टेबल नहीं है, जो उनके लिए भी कंफर्टेबल नहीं है। या तो वो भी वैसे बन जाएंगे या फिर वो वहां से हट जाएंगे। समझ रहे हो? मैंने गमले में बीज बोया, वो बीज बलवंत नहीं हुए, शायद गर्मी बहुत ज्यादा थी या गमले में खाद नहीं थी, ठीक है, या तो गर्मी बहुत ज्यादा थी या गमले में खाद नहीं थी या मैंने पानी नहीं डाला, हो सकता है। अब मैं दोबारा नए बीज बो रहा हूं और अगर मैं वैसा ही माहौल बना रहा हूं उनके लिए तो वो दोबारा से बीज बलवंत नहीं होंगे। हालांकि ये बीज शायद बेहतर बीज हो, चाहे अच्छे बीज हो, ये फ्रूटफुल नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन जो बता रहा है कि हमें पुरानी बातों से मन को हटाना है, प्राचीन बातों को याद नहीं करना है, और हमें देखना है। परमेश्वर कह रहा है, बिहोल्ड, देखो मैं एक नया काम करने का आया हूं। आई विल डू अ न्यू थिंग, मैं एक नई चीज, एक नया काम, एक नई बात करने पर, एक नई बात करने पर। हालेलुया। अब पर हम सबकी लाइफ में ऐसा समय आता है जब हमें दर्द होता है, है ना, पेन होता है, ऐसी परिस्थितियां आ जाती है। लेकिन आपको बताना मांगता हूं कि परमेश्वर का पास पेन का एक समाधान है, एक सॉल्यूशन है, और वो है उद्देश्य। हालेलुया। गॉड्स सॉल्यूशन टू पेन इज पर्पस, उद्देश्य। जो पुराने चोटें आपको मिली हैं, जो पुराने दर्द आपको मिले हैं, जो आपको दुख मिले हैं, गॉड्स सॉल्यूशन टू दोज ओल्ड Bones is a commitment to walk in love. Hallelujah. जो भी आपको दुख हुआ है, आपको धोखे मिले हैं, आपको दर्द हुआ है, आपको लोगों ने ठगा है, उसका जो समाधान है, जो सलूशन है, वो ये है, परमेश्वर आपको कुछ चीज सिखाना चाहता है कि आप दूसरों को दुख मत दो। आप प्रेम में अपना इस बात का समर्पित हो जाओ कि मैं प्रेम में चलूंगा, मैं प्रेम में चलूंगी। जैसा
जिस पीड़ा मुझे मिली है मैं औरों को नहीं पहुंचाऊंगा। जिस तरह से जो लॉस मुझे हुआ है मेरी वजह से मैं दूसरों को वैसा लॉस नहीं होने दूंगा। And that is the purpose. ये परमेश्वर का उद्देश्य है। मुझे नहीं मालूम है आपके पीछे दिनों में, आपके पश्चात में या पुराने दिनों में किन बातों से दुख से आपकी बातों के कारण दुख से गुजरे हो, कैसा आपको अनुभव मिला है। हो सकता है वो आर्थिक दुख हो सकता है वो शारीरिक दुख हो सकता है वो मेंटली दुख हो सकता है वो सोशल दुख हो, किसी भी प्रकार की समस्या या लॉस हो सकता है जो आपने बीते दिनों में देखा हो। लेकिन उसका परमेश्वर के पास पर्पस है, उद्देश्य है, वो ये है कि परमेश्वर आपको ऐसा बनाना चाहता है आप प्रेम में चलने के लिए समर्पित हो जाएं और आप किसी और को वैसी पीड़ा या वैसे दुख या वैसा नुकसान ना पहुंचाएं। एक बार मत्ती आखिर में पढ़ेंगे मत्ती 18 और 21 आयत में। अकबर में जो दुख है, जो ग्रीफ होता है ना, एक दुख एक दर्द, वो कीमत है जो हमें पे करनी होती है प्रेम के लिए। When we love, है ना, जब अब आपको उदाहरण पढ़ेंगे इसको, पढ़ने से पहले आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, राइट, करती है। कितनी माएं हैं यहाँ पे, 3 तो मुझे दिख रही है, प्रेज द लॉर्ड। माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, सही बोल रहा हूँ मैं, सहमत है, 3 माएं सहमत है, है ना। अब प्रेम करती है तो क्या कीमत है, क्या कीमत हमें अदा करनी पड़ती है इस प्रेम के लिए, क्या कीमत चुकाते हैं हम लोग। हमें दुख मिलता है, हमें दुख मिलता है, हमें दर्द मिलता है। अब दर्द मतलब ये नहीं कि बच्चे सताते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे सता सता के दुख देंगे वही कीमत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अब लापर क्या बताना चाहता हूँ, मान लीजिए बच्चे भूखे हैं, माँ के पास एक रोटी है, माँ के पास एक रोटी है, बच्चे भूखे हैं, माँ को भी भूख लगी है, लेकिन माँ क्या करेगी, रोटी बच्चों को दे देगी। क्या होगा ऐसे में, माँ को वो दुख, भूख लगी है और अपनी रोटी जब आप किसी दूसरे को दे रहे हो, क्या दुख तो होगा ना आपको, क्या नहीं होगा। चलो माँ का टॉपिक बंद करते हैं, सबका टॉपिक शुरू करते हैं, हमको भी भूख लगी है और हम देख रहे हैं और भी बहुत सारे कोई है अजीज है भूखे हैं, और अब हम अगर रोटी हम ना खाएं और दे दें, दुख होगा, दुख तो दर्द होगा ना यार, हम नहीं खा रहे हैं और हम दे रहे हैं, दुख होता है, दर्द होता है ना। ये प्रेम की कीमत है, ये प्रेम की कीमत है। इसी से देना कभी भी आसान नहीं होता है, देना कभी भी आसान नहीं होता है। जब देते हैं तो एक दर्द तो होता ही होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब आप दें तो दर्द ना हो। हाँ वो जरूर है कि अब आप देते देते इतना आपको अनुभव हो गया है कि आप अब उस दर्द को आपको दर्द का दर्द लगता नहीं है, ये चीज अलग बात है। लेकिन जब आप देते हैं तो दर्द होता है, आपको लगता तो है कि दे रहा हूं, लेकिन हम हमें बहुत बार परमेश्वर प्रेम विवश करता, हम फिर भी उस दर्द के ऊपर देते हैं। सो देते क्यों हैं, बिकॉज ऑफ लव, प्रेम की खातिर हम देते हैं, वी प्रे वी पे, हम लोग कीमत अदा करते हैं। प्रेम की कीमत है दुख दर्द। आइए अब ये आयत पढ़ते हैं, मत्ती 18:21। पतरस ने पास आकर उससे कहा, ध्यान से सुनिएगा, तब पतरस ने यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, मतलब है मेरे विरोध में गुनाह करते रहे, अगर वो मुझे दुख पहुंचाता रहे, if he keeps hurting me, जब जो मुझे सताएं